हेलो दोस्तों, देखिए मैं अपना खेत पाया हूँ और इस खेत में मेरे खेत में बहुत सारे जो फसलें हैं वो लगी हुई हैं। ये जो आप पीपल का पेड़ देख रहे हैं ना, ये बहुत साल पुराना पीपल है। लगभग ये पीपल 25 से 30 साल और भी पहले, मतलब 60 से 70 साल पहले पुराना है। ये हमारे गेहूं हैं, आप जो देख रहे हैं ना, ये बड़ी बड़ी बाली वाली, ये देखिए वाली। मैंने सोचा क्यों ना एक बार मैं वीडियो डालने में क्या जाता है, वीडियो डाल रहा हूँ अपने चैनल पर। अभी हाल नया चैनल बनाया है तो जा रहा हूँ मैं आगे की ओर। कुछ आगे चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है शायद, तो आपको दिखा दूँ। ये देखिए पीपल है, ये मंदिर है, ये खेत है और ये फसल लगी हुई है। जो आप लोग, सब लोग कहते हैं कि भाई यार चैनल मोनेटाइज करना है यार, सब लोग कहते हैं कि सबका चैनल अच्छी तरह चल रहा है, सब कोई अच्छे अपने अपने वीडियो डालता है और लाइक भी उसको अच्छी तरह से मिलती है, व्यूज़ भी अच्छे आते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक आध बार वीडियो डाल दूं। यार मैं भी कोई एक अमीर व्यक्ति नहीं हूं यार, मैं भी एक अच्छा एक किसान का लड़का हूं और मैं भी अपनी पढ़ाई कर रहा हूं अभी। मैंने सोचा वीडियो डाल दूं। बस मैं थोड़ी आगे जा रहा हूँ, कोई आगे प्रोग्राम चल रहा है, आप देख सकते हैं गाड़ी रखी हुई है बहुत सारी। सूर्य की रोशनी के उससे शायद आपको लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं पास में जा रहा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ थोड़ा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। यार कुछ प्रोग्राम चला है शायद, अधिकारी आए हुए हैं, कोई विधायक या विधायक आए हुए होंगे शायद, क्योंकि आज हमारे यहाँ रैली चल रही थी, विकास यात्रा थी आज। तो ये थोड़े आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे इनको, क्या है भाई कमेंट में ज़रूर बताना भाई, भाई कमेंट में तो ज़रूर बताना भाई कि ये कौन सा पेड़ है और इसमें क्या लगता है। ये देख सकते हैं और ये हमारे यहाँ एक टंकी है जो हमारे यहाँ सारे गांव में या हमारे सारे या हमारे यहाँ मोहल्ले सब लोग जानते होंगे कि जहाँ नगर पंचायत होती उसमें सरपंच होते, और हमारे यहाँ नगर पालिका है तो नगर पालिका द्वारा यहाँ टंकी द्वारा से पानी पूरे गांव में पहुँचता है। मैं आगे चल रहा हूँ यहाँ, बहुत सारे अधिकारी आए हुए हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, कुछ नया हो रहा होगा। ये देखिए ये कह रहा है ये क्या आ गया, आजा। गाड़ियन हद देख के जा रहा है, आजा। ये गेहूं ही है जो हमारी यहाँ बड़बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई है। मम्मी बुला रहे हैं, हाँ आओ चलो, इनको चप्पल पहना लें। ये चप्पल पहन के नहीं आए थे, चप्पल पहन के क्यों नहीं आए थे, चप्पल कहीं नहीं पहने थे। चलो इस साइड तो कांटे डले होंगे। तो ये आप लोग बताइए कि जहाँ खेते हैं वहाँ कांटे झाड़ी माड़ी तो लगी हुई होती हैं,
देखा, तो इसलिए इसको कांटा लगने में कोई शक नहीं है। ये देखिए, ये कुगा, कुगा, हाँ, ये कुगा है, हाँ। ये देखिए, इसमें अभी थोड़ा पानी है, थोड़ा पानी है, कितना पानी है के? इतना, हाँ। अभी छोटा है, अभी उसको पता भी नहीं कि कितना पानी है। अभी हम फिर उसी जगह से जा रहे हैं। ये देखिए कितने वाला है वाला का लगा। एक आपको बता दें कि मैं आप लोगों को थोड़ा आगे उस जगह को नहीं बता पाया कि जहाँ गाड़ी जो रुकी हुई थी वहाँ कोई मीटिंग चल रही थी, या तो एक कोई नेता लोग कुछ लोग आए होंगे, तो मैं आगे नहीं गया आगे नहीं क्योंकि मम्मी ने कहा इनको चप्पल पहना दे, तो मैं इनको चप्पल पहना लिया। तुम्हारी चप्पल कितने रखी, तुम्हारी चप्पल कितने है दिखा, कितने लग जा, कहाँ लग जा, कहाँ पर चप्पल, चप्पल लग रहा। तो मैं इसको इसकी चप्पल देखने जा रहा हूँ कहाँ डाल दी इसने। कैसे लगा, कहाँ कैसा लगा, आप लोगों को तो दिख ही रहा होगा अच्छी बढ़िया। ये कितनी फसल लगी हुई है हमारे यहाँ पर, अरे भाई किसान के बेटे हैं भाई, सब लोग जानती होंगे कि मैंने अपने पहले बता भी दिया इसी वीडियो में कि मैं एक किसान का बेटा हूँ, और भाई हमारे यहाँ पर खेती होती है, और जो खेती होती है वो ज़बरदस्त होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सभी लोग हैं वो बढ़िया खेती करते हैं, अच्छे आसान से रहते हैं, ना किसी से डर है ना किसी को ये। ए भाई यार, ए है इसकी चप्पल, चलो चप्पल पहन लो, ये चप्पल नहीं आ रही पहन, चप्पल पहनो, चप्पल पहनो, चप्पल पहनो, चप्पल पहनो, चप्पल पहन पहन। ये देखिए चप्पल नहीं पहन पा रहा, चलो आओ 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 जल्दी आओ। हाँ, इसको जानते हैं क्या कहलाता है, मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तुम्हारी, आओ चलो आगे चलो। अरे 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 भाई गिर गया भाई, चलो अब आगे आगे चलो चलो। ये देखो भाई यार, मेरे चारों तरफ देखिए पहाड़ी है, पहाड़ी है क्योंकि पहाड़ी इलाका ही है। आ जल्दी चलो घर पे चल ले भाई, मेरे यहाँ सब देसी बुंदेली है भाषा बोलते हैं, मैं आपको अभी उतनी ज़्यादा भाषा नहीं बोल रहा हूँ बुंदेली, क्योंकि सब लोग जानती हैं कि बुंदेली में कैसी भाषा बोली जाती है। ये देखिए फिर से गिर पड़ा, जल्दी जल्दी आ, जल्दी जल्दी जा, जल्दी आ, चलो जल्दी आगे चलो आगे चलो। ये अब चलो चलो, आप लोग देख ही रहे होंगे कितनी बड़ी बड़ी हमारे यहाँ फसल हो गई। ये देख फिर से गिर पड़ी, चलो भाई इसको कहने में तो कोई वो ही नहीं, चलो। ये देखिए थोड़ा, एक जो पौधा था वो मटर का लगा हुआ था, तो उसने उसका फूल तोड़ लिया, कह रहा फूल तोड़ने लिए।
तो फिर इसने फूल तोड़ लिया वो। चलो आगे चलो, आओ चलो। इसका नाम धीर है और ये मेरे जो बड़े भाई हैं इनका लड़का है, मैं इनका चाचा हूँ। ये बहुत शैतान करता है, बहुत ज़्यादा शैतान करता है, और इसको शैतानी करने में मैं भी साथ देता हूँ। चलो क्योंकि भाई बच्चों के साथ शैतान और खुद को मज़े लेने के लिए इससे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए भाई ऐसी फसल, भाई मज़ा आता है भाई इस खेतों में। जिस लोगों को भाई खेतों में मज़ा आता हो वो कमेंट करे कि मैं भाई दे आती हूँ। और खेती में कोई ऐसी वो नहीं है कि शर्म आती हो या कोई कुछ होता हो, भाई बहुत मज़ा है भाई। मेरे यहाँ ऐसी कोई ना दार्शनिक जगह नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ दिखा पाऊँ, पर हाँ आप लोग तो सब जानते ही होंगे। आ जल्दी चलो, चलो आओ। ये हमारी बॉल के लिए ये बॉल डली हुई है, और ये जो बोरवेल कहते हैं ना, बोरवेल वो है, क्योंकि इससे पानी हमारी सब सारे खेतों में जाता है। पानी पीने तो भाई यार इसको तो प्यास लग गई है। चलो हम आगे मोटर चलाएंगे तो तुमको पानी पिला पाएंगे। चलो चलो आगे आगे चलो। बच गया? हाँ भाई यार कह रहा बच गया यार। ये भाई ये हमारे जो आलू हैं उसके फसल लगी हुई है। क्या ये आलू है? हाँ। आलू है, देखो ये भी कह रहा है हाँ आलू है। कैसी यार? अच्छा। तू खाता है? हाँ, हाँ देखिए कह रहा मैं खाता हूँ। ओए जाने ये क्या लग गया मुझको, कोई फसल की इसकी यहाँ बोकाई हो गई क्या? तो कोई बाजमा जी भाई मैंने इतना देते क्योंकि मम्मी पापा ये सब करते हैं, ज़्यादातर मम्मी करती हैं, पापा अपना काम देखे थोड़ा बहुत। बोरवेल तो चल रहा है, इसको पानी पिलाना है थोड़ा। चलो आगे बॉल से पानी पिलाएंगे। ये बोरवेल के पाइपलाइन है पानी के लिए, इसको पानी पीना है ना। ये देखिए भाई यार भाई जुगाड़ का काम करते हैं, देहात में जुगाड़ ही चलती है भाई। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी तो निकल रहा है, अब मैं इसी इसको इसी से पिलाऊंगा। भाई यार यार जंग लगी हुई है इसमें तो इसको तो निकालना पड़ेगा भाई। या चलो खुल जा सिम सिम। भाई यार इसको खुलने का टाइम लगना है यार। ये देखिए अभी हमारी हमारे यहाँ जो ट्यूबवेल है, वो ट्यूबवेल नहीं बोरवेल कहते हैं। देखिए इतना पानी अभी देख रही है खेत के लिए, और ये खेती में पानी जा रहा है, हमारी जो फसल है ना इसी में जा रहा है अभी, क्योंकि अभी ये पहली अब इसमें पानी दे देंगे तो फसल जो है वो अच्छी पक जाएगी, और इसका जो दाना है वो भी अच्छी तरह से पक जाएगा। चलो तुम वो काम ना मत करो, ये अपना पानी पियो पियो पानी। पी लिया इसने तो पानी पी लिया, थोड़ा मैं भी पी लेता हूँ।
लोगों ने पानी पी लिया, अब बस इसको लगाना है। अब इस पाइप को लगाना है जो हम लोग लगाएंगे। अब आप ही देख सकते हैं किस तरह का सीन है यहाँ पर कि भाई खेत है तो हरा हरा ही दिख रहा होगा सामने, पूरे दूर दूर तक सभी यहाँ गेहूँ ही गेहूँ है। और आप लोग जानते हैं गेहूँ की मात क्या होता है, क्योंकि हमारे पूरे देश में किसानों द्वारा ही, पूरे भारत में या पूरे जो अगल देश हैं उनमें भी हमारे यहाँ या हमारे क्षेत्र से ही गेहूँ जाता है, आप तो समझते ही होंगे। और आप देख सकते हैं मैं अब मेरे मोबाइल का जो कैमरा है वो भी अब छोटा है, छोटा है और उतनी ज़्यादा क्वालिटी नहीं है हमारे कैमरे की, आप देख सकते हैं। लेकिन तब भी हम अपने मोबाइल को बढ़िया समझते हैं, क्योंकि जिसके पास जो है वो उसी में खुश रहना चाहिए। चलो एक कह रहा है लगा दे इस पाइप को, तो मैं लगा देता हूँ। पूरा भींग गया भाई देखिए, और इसने भगाया है, इसने, मैंने वो सूट नहीं कर पाया लेकिन इसने भगाया। देख कितना कितना खुश हो रहा है ये, देखो भीग गया हम। तुम नहीं, हम तो भींज गए, तुम तो बच गए। क्योंकि यार भाई जब दूसरे पाइप में पाइप लगाते हैं तो उससे जो पानी है बहुत स्पीड से निकलता है। क्या देख रहा? अरे हम तो देख ही रहे हैं। हाँ ये पेड़ है, ये देखिए हमारे यहाँ कितने बड़े पेड़ होते हैं। एक कोई कहीं 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 हमारे यहाँ तो भाई खजरी कहते हैं, कहीं कहीं और भी कोई लोग कहते होगा, लेकिन हमारे यहाँ इसको खजरी कहते हैं। खजरी आता है। हाँ हाँ, और हमारे यहाँ ये कह रहा है कि हमारे मतलब हम लोग ज़्यादातर ये खजरी होती हैं तो उनको नीचे से काटते हैं जब छोटे होते हैं, नहीं बड़े बड़े होते हैं तब नहीं काटते, जब छोटे होते हैं तब हम इन्हें काटते हैं। तो इनमें से एक मीठा सा कुछ अच्छा निकलता है जिसको हम लोग खाते हैं और उसकी सब्जी बनाते हैं, और ये अच्छा होता है। ज़्यादातर ये इसको सर्दियों के टाइम पे खाया जाता है, अभी तो हम लोगों ने बंद कर दिया क्योंकि अब गर्मी होना शुरू हो गई है। हाँ चलो जल्दी, कहाँ? हाँ तो भाई हम लोग जा रहे हैं अब घर, और रहे हैं ख़त्म। भाई मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ कि भाई प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये मेरा पहला ही ब्लॉग था, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा और शायद मेरा चैनल और हो जाए। और मैं सोचता हूँ कि क्यों ना एक बार मैं वीडियो डालने से अच्छा लगता है, अपनी जो अंदर की भावना है वो निकल जाती हैं, और सब कुछ आपके सामने ही मैंने आपको बता दिया क्या है। तो बाय बाय।